गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर इलाके में स्थित तलहेटा गांव में पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़ित तत्वदर्शा त्यागी का आरोप है कि 1984 में 300 गज का पट्टा उनके नाम किया गया था, जिस पर गांव के कुछ लोग जमीन को एलएमसी बताकर उस पर कब्जा कर रहे हैं। यह मामला मैंने दो महीने में पहले करा, उस पर तो बलरामपुर राम ने कब्जा कर लिया। यहाँ 145 कार्रवाई करी, उसमें पुलिस ने कुछ नहीं करा। कब्जे के आधार पर कब्जा लेने को कब्जा कुछ मेरा है कुछ पर उसने कर रखा, लेने की कोशिश करी, पुलिस आई नहीं करते। उनका एक चाचा है सीनियर साइंसिस्ट, उन्हें धमकी दे रहा हुआ सीनियर साइंसिस्ट थे, उनको कुछ नहीं मिला। अब एक दूसरा रहनामा करा है, पट्टे की जमीन है 84 का पट्टा, उसका रहनामा मैंने अपनी मिसिज के नाम करा है। उसमें जगदीश का लड़का आंसू और उसकी लड़की कामनी जबरदस्ती कब्जा करने हैं, जबकि एलएमसी का पट्टा है। इनका एलएमसी में कोई रोल नहीं है, ये एलएमसी में कब्जा कर रहे हैं और खुद का मकान जो है एलएमसी बनाए बैठे हैं। कहूँ तो मारपीट का आमदाम है, कहें बालास्तर का केस लगा दें। पीड़ित का कहना है कि वे अपनी समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित कई बार थाने में भी शिकायत कर चुका है, वहीं तहसील में भी कई बार इस समस्या से अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला।